हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th फिजिकल वर्ल्ड से। तो अब तक हमने बात की थी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम अपनी पढ़ाई वहां से स्टार्ट करेंगे जहां हमें कुछ नहीं पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे एक छोटे से बच्चे से। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अपनी, तब हम एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होंगे। और जस्ट एग्जैक्टली जैसा कि आप देख सकते हैं इस बच्चे को, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसकी एक बात है, ये परेशान इसलिए है क्योंकि इसे कुछ नहीं पता। तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही, हमें कुछ नहीं पता। और हमें क्या चीज़ अभी मिली थी, तो हमें इनिशियल्स में सिर्फ क्या मिला था, सेंसरी ऑर्गन्स, जिसकी वजह से हम अपना नॉलेज बढ़ाते थे। कैसे? सेंस करके। क्या सेंस करने, सेंसरी ऑर्गन क्या है हमारे पास? स्किन है, आई है, नोज है, टंग है, ईयर है, ठीक है। इन पांच सेंसरी ऑर्गन से हम दुनिया के अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और नॉलेज बढ़ाते हैं। कैसे पढ़ते हैं भाई? तो बोलते हैं कि हम स्किन से टच करके उसका टेक्सचर पता करते हैं, आंखों से देख के उसका, बिल्कुल, उसका कलर पता करते हैं, कान से सुन के उसकी आवाज पता करते हैं, और नाक से उसका स्मेल पता करते हैं, ओके, और टंग से उसके टेस्ट के बारे में पता चलता है। तो ये सब चीजें हमारी सेंसरी ऑर्गन से होती है। फिर हम इन सब चीजों को इकट्ठा करके अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं हर चीज के बारे में। अब तुम ऑलमोस्ट 10th पास कर चुके हो या उससे सीनियर हो, तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा नॉलेज है। तुम्हें पता है प्लास्टिक क्या होता है, तुम्हें पता है स्टील क्या होता है, तुम्हें पता है आयरन क्या होता है, ये सब बातें तुम्हें पता है। तुम इन सब की नॉलेज इकट्ठी कर ली है तुमने, ठीक है। ये कैसे हुआ? तुमने अपने कुछ सेंसरी ऑर्गन जो अब तक पढ़ाया गया उन बेसिस से मिला के तुमने ये सब चीजें नॉलेज इकट्ठी की। नॉलेज इकट्ठी करने के लिए हमारा ब्रेन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बच्चे को चलो शुरू करते हैं, और नॉलेज इकट्ठा करना ही साइंस का काम है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज साइंस? तो साइंस वही है जो हम आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। और साइंस का बेसिक मतलब ही नॉलेज होता है। अब नॉलेज साइंस को कह लो, नॉलेज को कह लो, या संस्कृत में ले लो विज्ञान, ले लो अरबिक में इल्म ले लो, तो हर चीज क्या है, नॉलेज का मतलब है। तो साइंस का बेसिक मतलब है नॉलेज इकट्ठी करना, बस नॉलेज मिलती रहे हर चीज के बारे में, ठीक है। तो क्या साइंस इज एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग व्हाट वी अराउंड अस, the curiosity to learn about the world, unraveling the secret of nature is the first step towards the discovery of science. तो जैसा कि पता चला कि नेचर के बारे में, नेचर की चीजों को जान के, जैसे मैं किसी चीज की भी बात करूं, आसपास जितने भी मटेरियल है ये सब चीज क्या है, नेचर की देन है। तो हम किसी चीज को भी पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब किसको पढ़ रहे हैं, नेचर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम नेचर के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, नेचर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, यही चीज किस में आ जाती है, हमारी साइंस में, ठीक है, ओके। अब हमें साइंस ली है, तुम लोगों ने साइंस स्ट्रीम लिया है, तो उसके तीन सब ब्रांच है, और जो सबसे मेन ब्रांच है मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, वो फिजिक्स है। चाहे अभी अगले के लेक्चर में हम साफ क्लियर कर देंगे कि देखेंगे कि फिजिक्स कहाँ इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, फिजिक्स कहाँ इंपॉर्टेंट है बायो में, सब जगह फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, ओके। तो और फिजिक्स में मैथ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक क्लास हम अलग से जरूर लेंगे। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हमने देखा, तो अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? जैसे कि हमने बात की अभी कि दुनिया में हम नेचर की चीजों को समझने के लिए साइंस का यूज करते हैं, तो फिजिक्स का यूज क्या है, फिजिक्स क्या है? तो हम देखते हैं फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। दुनिया में जितने भी नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, बेसिकली साइंस की मेन ब्रांच है फिजिक्स, तो इसमें जितने भी नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं उन सब को एक्सपेरिमेंट करके अपने घर पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने का ही जो तरीका है वही चीज फिजिक्स कहलाती है हमारी, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना को पढ़ना, उनको समझना, उनको प्रेडिक्ट करना, ये सब काम किसका है, साइंस का है। और नेचुरल फिनोमिना आ गया तो मतलब फिजिक्स में आ गया, ठीक है। अब जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में देखेंगे वो एटम मॉलिक्यूल पे डील करता है, वो नेचर की चीजों से, नेचर का ही चीज है एटम मॉलिक्यूल, लेकिन नेचर के फिनोमिना से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, साइंटिफिक मेथड। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा इशू है कि हम अगर फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का। तो बेशक वही है जो साइंटिस्टों का तरीका, वही उस तरीके से हम पढ़ेंगे, हम क्यों अलग पढ़े भाई, हमारा भी वही तरीका होना चाहिए। हाँ, तो साइंटिफिक मेथड क्या है? तो साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है जिसमें साइंटिस्टों ने काम किया, उसी सिस्टमैटिक अटेम्प्ट पे हम भी काम करेंगे। और जैसे साइंटिस्टों को समझ में आया और वो दूसरों को समझाते हैं, वैसे हमें भी समझ में आना चाहिए भाई, हमें भी क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने हैं, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए हमें उनका पूरा तरीका पता होना चाहिए, जैसे वो हर एक
काउंटर क्वेश्चन का जवाब देते थे, वैसे ही हमें हर क्वेश्चन का तो जवाब देना ही होगा, काउंटर क्वेश्चन देख लेंगे अगर हुआ तो, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेन, ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है जिससे हम किसको समझे, नेचुरल फिनोमेन को, नेचुरल फिनोमेन का बात करना किसका काम है, फिजिक्स का, एग्जैक्टली, इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, जितनी ज्यादा डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में पढ़ेंगे भाई, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, हम डीप तक जाएंगे। साफ कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड किस पे बात करता है, एज डेप्थ एज पॉसिबल, जितना डेप्थ हो सके उतना पॉसिबल, ठीक है। एंड यूज दिस नॉलेज गेन टू प्रिडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना, और इस नॉलेज का फिर क्या यूज करेंगे भाई, इस नॉलेज का क्या यूज करेंगे, प्रिडिक्ट करने में कि वो नेचुरल फिनोमेना कब होगा, मॉडिफाई करने में कि उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है क्या, और कंट्रोल करने में, वही बात है, मॉडिफाई कंट्रोल करना एक ही जैसा चीज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम हमारा कि साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या क्या है, जैसे बोला गया सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, तो सिस्टम है कुछ क्या देखते हैं जरा। तो अब पहले मैं इसके बारे में, एक फिनोमेना के बारे में जिक्र करता हूँ, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में तुम लोग पहले से जानते होगे, और इसके बारे में पुराने जमाने में काफी कुछ कहा जाता था, जैसे क्या है कि अर्थक्वेक क्यों आया भाई, तो बोला धरती माँ गुस्सा हो रही है भाई, उन पे ज्यादा लोड पड़ रहा है और वो इस वजह से क्या कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रही है। लेकिन जब हमें पता चला, हमने साइंस के चीजों में नेचुरल फिनोमेना को देखा, तो फिजिक्स में पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते क्या पता चला भाई कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई धरती माँ का गुस्सा नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या होता है कि प्लेट्स के बीच में एक मूवमेंट होती है, कुछ प्लेट स्लाइड करके आगे जाती है और कुछ प्लेट पुश करके ऊपर आती है, जिनकी वजह से क्या होता है कि जमीन में दरारें पैदा होती है, वही अर्थक्वेक का सिंपल रूल लेता है। तो अब हमें पता है कि अर्थक्वेक क्यों आता है, ठीक है भाई, अब हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब आएगा। तो हमें पता है कि हमने नीचे जाके कुछ अपने सेंसर्स डाल दिए कि जब वहां पे कोई मूवमेंट होगी तो हमें ऊपर पता चल जाएगा, हाँ ये करते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि कितनी तेज इंटेंसिटी का आया, इसको चेक करने के लिए हमने रिक्टर स्केल बना रखा है, उस पर पता चलता है भाई कि कितना तेज आया। अभी फिलहाल लॉकडाउन में पता होगा दिल्ली में तो कुछ ज्यादा भूकंप आ रहा था भाई, मुझे जितना याद है। और इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, हम अपने घरों को भाई ऐसा बना ले कि जिससे वो अर्थक्वेक प्रूफ हो, नहीं तो अर्थक्वेक हमारे घरों के लिए काफी नुकसानदायक होता है। तो अब अपने घर कैसे बनाने शुरू कर दिए जो प्रूफ है अर्थक्वेक से, सिंपल भाई यार कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ यही पढ़ना। अब देखो, अब अर्थक्वेक की बात कर ली, अब देखो हाँ स्टेप्स देखने हैं मैंने, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कि हमें चीजों को ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चीज है कि इंसान का सबसे पहला काम है, बहुत टाइम से इंसान हर चीज को ऑब्जर्व करता हुआ आया और ऑब्जर्व करके अपनी कुछ बातें कहता हुआ आया, ठीक है। जैसे क्या है कि जैसे इंसान ने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि सन निकलता है ईस्ट और वेस्ट में जाकर डूबता है, हाँ हमेशा से ये चीज हमेशा बचपन से क्या इनिशियल ऑफ टाइम से इंसान ने ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया। इंसान ने यह भी देखा है कि अगर पानी को ऐसे लेवल पर रखा जाए तो वो कहीं मूव नहीं करता, लेकिन अगर एक लेवल ऊपर कर दिया जाए तो वो नीचे की तरफ साइड होकर आ जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, जो हम आसपास अपनी चीजें को नेचर में देखते हैं और नेचर में जो चीजें देखते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, वही चीज होती है ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है, तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, चीजों को ऑब्जर्व करना। जैसा कि एक ऑब्जर्वेशन क्या है, तो एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने की थी वो थी कि अगर मैं किसी भी दो मटेरियल को रब करके, कहीं पे रब करके लाता हूं तो वो दोनों चिपक जाते हैं, ये मेरा बचपन का थोड़ा ऑब्जर्वेशन है। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे बताया गया कि हाँ भाई 9th-10th में कि सेम चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन वो था जब मैंने खुद से देखा कि अगर मैं रब करके करता हूं तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है या नहीं लगती, या नहीं लगती, ठीक है, ये चीज था। अब क्या बात हुई कि इन सब चीजों को देखा मैंने, ठीक है, और सेम इसी की तरह मैंने क्या देखा कि नेचर में एक क्लाउड्स है, क्लाउड्स के बीच में थंडरस्टॉर्म होता है, ठीक है। तो वो चीज मैंने मान लो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके अब सोच रहा था कि भाई ये होता क्यों है। तो इंद्र देव लड़ सकते हैं ये जैसा कि बताया जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है, तो हम साइंस में देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया कि कुछ चार्जेस को इकट्ठा किया एक जगह पे, बहुत हाई कंडेंसली चार्ज जगह बनाई और उसको क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरी जगह बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिया और उन दोनों को पास लेके आए, पास लेके आए तो क्या देखा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चिटक के दूसरी जगह चले गए और वो एक चिंगारी जैसे निकली। तो मैंने उसको डिस्चार्जिंग कहा, मैंने बोला यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है तो शायद वैसा स्पार्किंग वहां भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो नेचर में ऑब्जर्व किया, नेचर में मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद क्या किया मैंने, हाँ अपने अपने एक्सपेरिमेंट किया लैब में आके।
तो भाई दूसरी स्टेप क्या जरूरी होती है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है दूसरा, कि हम उसको कंट्रोल में एक्सपेरिमेंट करें कि हम अपनी चीजों को बढ़ा सके घटा सके, ये जरूरी है, नहीं तुम नेचर में जाके थोड़ी ना क्लाउड को सेपरेट कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या बनता है, उसको लैब में करके देखना कि लैब में वो चीजें हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही है तो दिक्कत की बात है, ठीक है। तो उसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि लैब में वैसा ही फेनोमेना अकर करके दिखाएं, ठीक है भाई। तो मैंने ये काम यहाँ पे किया, क्या किया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स चिटक के आ गए, ठीक है। फिर अब उसके बाद उस पर क्या करना कि भाई ये तो आ गए हैं लेकिन हमने देख लिया, अब इस पर रीजन देना कि क्यों आए भाई, क्यों आए, ठीक है, इसकी क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से आए और इसमें कितनी क्वांटिटी थी जिसकी वजह से आए, ठीक है। तो पहले ही हमने क्वालिटी की बात करें तो मैंने बोला कि इसके पास चार्ज होना चाहिए, जिस चार्जिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी, चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और ये थंडरस्टॉर्म जितना ज्यादा होगा, देखो अभी एक क्वालिटी क्या मिली मुझे, मुझे मिला चार्ज, ठीक है, और दूसरी क्वालिटी क्या मिला, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इनके बीच का ज्यादा होगा तो डिस्चार्जिंग नहीं होगी, वो चिंगारी नहीं आएगी, नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी, ठीक है। और अगर डिस्टेंस पास है तो वो चिंगारी जरूर आएगी, करके देख लेना, तुमने घरों में किया भी होगा, जब हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लगाते हैं अपने बोर्ड में और स्विच ऑन करते हैं तो स्विच के पीछे एक चिंगारी आती है, वो कब आती है, जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के बस पास पहुंचने वाला होता है तो इलेक्ट्रॉन चिटक के चला जाता है, वो तुमने देखा होगा घरों में, है ना, देखा ही होगा, देखा नहीं देखा कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। तो यहां से चिटक के चला गया, ठीक है, अब जैसे ही चिटक के वो नीचे गया है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ चिंगारी, तो हमने दो क्वालिटी पता की, क्या, चार्ज और डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बेस पे देखते हैं कि ये कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी, अगर मैंने चार्ज बढ़ा दी तो क्या होगा, ये जो चिंगारी थी, ये जो स्पार्किंग थी, ये बड़ी या कम होगी, तो मैंने देखा चार्ज बढ़ाया तो मेरी स्पार्किंग बढ़ी, तो मैं इस रिलेशन को क्या बोलूंगा कि मेरी चीज बढ़ाने से ये साथ वाली चीज भी बढ़ रही है, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो जब भी मैं कभी बोलूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो मतलब मैं क्या दे रहा हूं, उसकी क्वांटिटी रीजनिंग दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं ये बोलूं कि डिस्चार्जिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब क्या है, हाँ, अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा बन गया क्वालिटी और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बन गया क्वांटिटी रीजनिंग, मैंने दे दी, ठीक है। और फिर सेम चीज मैंने दूसरी भी की, मैंने क्या बोला कि डिस्चार्जिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो हमने ये क्या बात की कि चार्जेस के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उसी पे क्या काम करेगा हमारा, हाँ, उसी पे हमारा डिस्चार्जिंग डिपेंड करेगा, तो जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा डिस्चार्जिंग। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इनवर्स का रिलेशन बनाएंगे, ठीक है भाई, इसको कैसे बनाएंगे, इनवर्स का रिलेशन। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं तो क्या बताया मैंने कि हमारा क्या था पहले, डिस्चार्ज, हाँ मैंने बोला डिस्चार्जिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके, ठीक है। और मैं अभी एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, बस वैसे ही नॉर्मल से एनालिसिस है जो हम नेक्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस एक सिंपल से थ्योरी को मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना मगर चाहो तो। और फिर दूसरा क्या, डिस्चार्जिंग इज इनवर्सली, इनवर्सली में क्या होगा, वन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ओके। तो ये दो चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग कर ले, ऐसे ही करेंगे हम हमेशा करेंगे कि पहले चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर रीजनिंग देंगे, उसके दोनों टाइप से क्वालिटी भी देंगे और क्वांटिटी भी देंगे, ठीक है। फिर जब रीजनिंग दे देंगे, ठीक है, फिर हमने बोल दिया कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होगा। अब जाके बोला मैंने किसी को कि भाई ये ना मतलब कि ऐसा बिजली कड़कती है और बिजली कड़कती में चार्ज इंपॉर्टेंट है, तो बोला कि अच्छा, तो बोला कि अगर मेरा इतना चार्ज है तो, और सपोज तुमने चार्ज की कोई क्वांटिटी दे दी, डिस्टेंस दे दिया, तो क्या होगा, तो बोला कि फिर इसके लिए मुझे एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक मॉडल होता है। मॉडल क्या होता है कि जैसे मान लो कि मुझे कोई चीज़ अपनी पेश करनी है तो मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, जैसे इस वीडियो को देख लो तो मैंने ये प्रेजेंटेशन पूरी तैयार किया, क्यों, बताने के लिए तुम्हें, तुम कुछ भी पूछो यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो वही चीज़ है कि इसीलिए मॉडल तैयार करना पड़ता है हमें हर चीज़ के लिए। तो मॉडल क्या है, तो मॉडल है मैथमेटिक्स का मॉडल, ठीक है, उसमें हम मैथमेटिक्स का यूज लेते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला फिजिक्स में थोड़ा मैथ्स जरूरी है, ठीक है, जो भी जरूरी होगा हम सब पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है, और कोई डाउट नहीं आने दूंगा, सब फिजिक्स एकदम मक्खन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
बाद में बोलना बताया नहीं था, ठीक है, फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, और मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होगा, ये फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है, जो चीज हमने ऊपर लिखी हुई है उसी चीज को हम दोबारा से, ठीक है, और इकट्ठा करके लिख देते हैं। जैसे जगह नहीं है तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस साइड तो मैं रहूंगा, तो इस वाली जगह को मैं मिटा देता हूँ, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैंने अब दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, डिस्चार्जिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दो अपोजिट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस हो गई होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा रिलेशन था। अब इसको हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो फॉर्मूला में पता होगा तुम्हें कि जैसे एक फॉर्मूला तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मतलब ये बताया गया था डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन सबके मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के बराबर है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आता है, तो हम भी इज इक्वल टू साइन लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं, हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, कि हम डिस्चार्जिंग को मानेंगे वन, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज को मानेंगे वन, ठीक है, या ऐसा करेंगे कि डिस्टेंस रखेंगे वन और डिस्चार्जिंग को मान लेंगे कुछ वैल्यू, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसके डिस्चार्जिंग, वन यूनिट डिस्चार्जिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा इज इक्वल टू साइन बनेगा, तो वो हम लगाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं अपने पीछे लिख दूँ या ऊपर तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसी चीज की यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्चार्जिंग को डी से, डी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज ए, और डिस्टेंस को आर, ठीक है, डिस्टेंस को डी ले, हाँ डिस्टेंस को आर ही ले लेता हूँ, रेडियस मान लेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस तो इज इक्वल टू लगाने के लिए मैं क्या बोला, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा एक, जब प्रोपोर्शनल साइन को, इस साइन को हम प्रोपोर्शनल साइन कहते हैं, ये अल्फा जैसा जो बन रहा है, ठीक है, और ये इज इक्वल टू का साइन है, जब भी इसमें कन्वर्ट करेंगे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट जब भी प्रोपोर्शनल को चेंज करेंगे, हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इसमें चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, और ये सब चीजें हम आगे देखेंगे कि हर जगह पे अलग अलग वैल्यू होगी, कभी वन भी हो जाएगा, कभी अलग अलग वैल्यू होगा, तो इस टाइप से हम देख के निकालेंगे, ठीक है, ओके okay? और डिस्टेंस से भी रिलेशन कैसा आता है, क्वांटिटी में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है या डायरेक्ट क्या इन्वर्सली आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये सब चीजें हम लैब में करके देखते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बाद ये एक फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग तैयार हो जाता है, ठीक है, ऐसे मैंने एक फॉर्मूला बना लिया। अब क्या होगा भाई, अब इसके बाद मुझसे बोला जाएगा भाई कि जैसा उसने बोला था मुझे कि इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, इतना डिस्टेंस है, बताओ भाई कितना डिस्चार्जिंग होगा। तो मैंने बोल दिया कि अच्छा भाई ये बात है, तो मैंने अपने मॉडल में पुट किया और एक भविष्यवाणी की, है ना, तो साइंस में थोड़ा सा भविष्यवाणी भी करना पड़ता है, वही प्रेडिक्शन जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, ठीक है, वो प्रेडिक्शन भी करने पड़ते हैं। प्रेडिक्शन क्या होता है कि भाई एक सिचुएशन में क्या रिजल्ट आ सकता है उसको हमें बता देना, ठीक है, तो हम साइंस में प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है, और यही काम तुम्हारा होगा आगे जाके, कैसे कि तुम सारे लॉ पढ़ के गए हो, ठीक है, तुमने सारे लॉ पढ़े हैं, सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मूला तुम्हारे पास है, अब उस फॉर्मूला का यूज करके तुम्हें केसेस दिए जाएंगे, तुम्हें केसेस दिए जाएंगे एग्जाम में, और तुम्हें उन फॉर्मूलाज का यूज करके तुम्हें प्रेडिक्शन करना और आंसर बताना, फिर क्या होगा, तुमने आंसर बताया तो फिर क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, वही चीज रियलिटी में होगी, या तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा थ्योरी कि जो मैंने किया वो सही है, या फिर गलत हो जाएगा भाई, फॉल्स गलत हो जाएगा, ठीक है, वही चीज नंबर मिलेंगे या नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिला मतलब क्या है कि मेरी थ्योरी काम कर गई, और नहीं मिला तो नहीं काम की, ठीक है। तो इसी बेस पे हम अपने फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम यही तरीका होगा, हर लॉ इसी टाइप से पढ़ेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है तुम्हें, मैं मैथमेटिकल मॉडल दूंगा, कुछ केसेस मैं खुद करवाऊंगा, कुछ केसेस तुमसे करवाऊंगा, और सारा फिजिक्स आराम से हो जाएगा, आईआईटी जेईई नीट सब हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं, सब आसान है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हाँ, और साइंस देखो, साइंस अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि मैं एसएससी में अच्छा नहीं था, मोस्टली साइंस वाले एसएससी में अच्छे नहीं होते, तो साइंस की क्या बात है, एसएससी में कुछ चेंज नहीं होता, जो है वो है, ठीक है, हिस्ट्री बेसिक, मैं हिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, वो कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन साइंस में क्या, साइंस इज अवर डायनेमिक, साइंस कभी भी बदल सकता है, कोई फिक्स थ्योरी नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि पहले कुछ थ्योरीज थी कि हाँ, जैसा तुमने भी सुना होगा कि थ्योरी भी ये थी जो हम देखते थे कि सन स्टार्स मूव करते हैं, हम स्टेशनरी है, हम कहीं थोड़ी जा रहे हैं, ये सब मूव करते हैं, जियो स्टेशनरी जिसको कहते थे थ्योरी, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, ये जा रहे हैं, तो ये जाते थे, ठीक है, सॉरी कॉपी किया मैंने, हाँ तो ये जाते थे, तो वैसे ही हम कहते थे, ठीक है,
सॉरी, तो ये स्टार्स वगैरह मूव करते थे, सन वगैरह मूव करते थे, तो हमने बोला कि भाई सन मूव करते हैं, हम यही स्टेशनरी रहते हैं। लेकिन बहुतों को चूल थी, कुछ ऐसे भी थे जिनको बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता, ऐसा है कि हम चल रहे हैं और सन रुका हुआ है। तो ये कुछ टाइम बाद नई थ्योरी आई थी कि हम चल रहे हैं और सन रुका हुआ है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद पता चला नहीं 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 दोनों चल रहे हैं, दोनों चलते भाई, कोई भी नहीं रुका हुआ। तो ऐसी थ्योरी बदलती जा रही है, तो साइंस में इतनी बार थ्योरी बदल जाती है कि हमने एक थ्योरी बना दी कि भाई कोई भी थ्योरी फिक्स नहीं है, चाहे कोई भी कहकर जाए मैं नहीं मान रहा। ये बात है कि थ्योरी कोई भी हो, फिक्स कोई नहीं हो, चाहे किसी ने भी कह दिया, न्यूटन ने कह दिया, आइंस्टाइन कह दे, या हमारे मैक्सवेल कह दे, या फैराडे कह दे, कोई भी कह के चले, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे भाई कि उस टाइम में उन्होंने दिया, उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिक्स नहीं मान लेंगे कि ये भाई फिक्स है, इनके बता के चले गए ये फिक्स है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी थ्योरी चेंज हो सकती है। ओके, जैसा कि न्यूटन ने फिजिक्स बनाया था, जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, जो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें पता चलेगा क्लासिकल फिजिक्स किस किस चीजों से डील करती है। ठीक है, वो क्या था कि वो हाँ सब चीजों पे एप्लीकेबल है जो आसपास हमारे देखने को मिलता है। ठीक है, बट जब एटम की बात आई, एटम के अराउंड रिवोल्यूशन की बात आई, इलेक्ट्रॉन की बात आई, वहां पे फेल, न्यूटन की फिजिक्स फेल। तो क्या मतलब कि न्यूटन की थ्योरी डिस्कार्ड कर दे, पढ़ना ही नहीं अब तो? नहीं, ऐसा नहीं। फिर हमने ब्रांच बना दी भाई, क्वांटम मैकेनिक्स बना दी, क्लासिकल फिजिक्स बना दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना दी, अलग अलग कर दिया, पढ़ दिया तीनों को एक साथ, अलग अलग पढ़ते हैं सबको। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हर जगह सक्सेसफुल है, लेकिन एटम की चीजें नहीं बता पाता, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ते। तो वही क्या बात है भाई, कभी भी कोई भी थ्योरी नहीं आ सकती, तो हमेशा तैयार रहना, मैं अपडेट देता रहूंगा तुम्हें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर अपडेट, थैंक यू। हाँ, तो फिर हम साइंस इज एवर डायनेमिक, हमें पता कोई भी फिक्स थ्योरी आ नहीं। नेक्स्ट, अब हम साइंस को पढ़ने के लिए ना, और एक कुछ दो बातों को फॉलो करके चलेंगे, पूरे साइंस में हम दो बातें पढ़ के चलेंगे तो अच्छा पढ़ पाएंगे। जैसे हर जगह अच्छा पढ़ना पड़ता है, जैसे मुझे याद है कि मुझे अरबिक सीखना था कुछ टाइम पहले, तो मुझे बताया गया कि भाई पहले उसकी ग्रामर सीखो, उसकी ग्रामर में जो वर्ड्स निकालने होते थे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कि जैसे वाद निकालो तो एक अलग टाइप से प्रोनंसिएशन करना होता था, कुछ टंग का यूज़ करके, कुछ हमारे चीक्स का यूज़ करके, कुछ इससे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो हाँ, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है अरबिक। ठीक है, और मुझे अलग अलग लैंग्वेज सीखने के लिए, हाँ स्पेनिश अच्छा सीखना है तो उसके लिए भी कुछ बताते हैं कि तुम ये चीज़ें अच्छे से सीख के आओ पहले। ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बताते ही हैं कि कुछ चीज़ें मान के चलते हैं और कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें। ठीक है, तो हम फिजिक्स पढ़ने के लिए दो काम करेंगे भाई, दो चीज़ें मान के चलेंगे कि सबसे पहले दो बातें समझ लो, एक होता है फिनोमिना और दूसरा होता है लॉ। एक फिनोमिना और लॉ मैं अभी बता रहा था कुछ देर पहले कि चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, हाँ अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब बात आई कि चार्जेस तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये चार्जेस क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो हमने कहा भाई ये चार्जेस ना आपस में एक फील्ड जैसा कुछ बना लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो क्या होता नहीं पता, कोई नहीं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा यार चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, दो चार्जेस है आपस में, वो आपस में फील्ड बना लेते हैं, फील्ड जैसे माना स्पेस है एक, ठीक है, कि जहां पे कोई और चार्ज आ गया तो उस पर फोर्स लगा लेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो बोला क्या कि अगर ये आ गया, ठीक है, फील्ड बना लिया तो इस वजह से अट्रैक्ट करते हैं, एक केस ये हो गया। दूसरा, लेकिन हमें कुछ दिखता नहीं, हमें कुछ नहीं दिखता, हमें बस अट्रैक्ट होता हो दिखता है। ठीक है, दूसरा चीज हमने वो देखा मैग्नेट्स के साथ, मैग्नेट्स में भी नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बीच में कुछ नहीं दिखता। हमने क्या बोला, ये मैग्नेटिक फील्ड, दो अलग अलग फेनोमेना, अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तीसरा, लाइट, लाइट भी दिखती नहीं है लेकिन सन से निकलती हम तक पहुंच जाती है, सब चीजों को चमका देती है, लाइट है तो मुझे सब चीजें दिख रही हैं, लाइट नहीं होता नहीं दिखती, हाँ नहीं दिखेंगी भाई, बेशक नहीं दिखेंगे। तो क्या, हाँ तो क्या ये सवाल अच्छा है? तो ये तीनों चीज हमारे फेनोमेना है मान लो, लेकिन इन सब के पीछे एक लॉ है, वो लॉ क्या है? देखो फेनोमेना तीन है और असल में मल्टीपल फेनोमेना है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो हमारे करंट आ रही है, सब कुछ इसी फेनोमेना इसी लॉ पे है। तो वो लॉ क्या, एक लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्या लॉ है? ये लॉ कहता है कि चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हाँ तो ये बात है, ये एक लॉ, और देखो कितने फेनोमेना कंट्रोल करता है। हाँ, तो जो साइंस रियल मानता है, साइंस मानता है कि दुनिया में जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं, जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं वो सिर्फ एक लॉ से हो रहे हैं,
और वो लॉ सब फेनोमेना को एक्सप्लेन कर देगा। भाई वो तो बोला भाई बहुत अच्छी बात है, वो लॉ बता दो। वो तो साइंस का था, वो तो हमें नहीं पता अभी। तो क्यों? तो बोला अभी नॉलेज थोड़ी पूरी नहीं है, थोड़ी अभी आधे अधूरी है, तो पूरा तो नहीं बता सकते। अच्छा पूरा नहीं बता पाओगे, कोई नहीं। तो बोला कि कम करके बता दो। तो बोला हाँ मैं कम करके बता दूंगा। तो बोलता ऐसे ही करके हमने ना कम कर लिए लॉ, ठीक है, मतलब बहुत सारे नहीं पढ़ते, सिर्फ थोड़ा 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 लॉ पढ़ते, कुछ 100 फिनोमिना का एक ग्रुप बना लिया एक लॉ से, कुछ 1000 फिनोमिना का एक लॉ बना लिया, ऐसे करके हम 100 के करीब 70-80 लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इस पूरे 11 12th के बीच में, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद क्या है? एक लॉ को पहचानना, वो एक लॉ पता करना। वो क्या कहता है? वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉस। द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ वन और सम यूनिवर्सल लॉ इन डिफरेंट डोमेन एंड कंडीशन। वही बात है, एक या कम से कम लॉ में हम पढ़ ले इस बातों को, सिंपल। तो फिजिक्स क्या बात करता है भाई, साइंस क्या चाहता है कि वो एक लॉ पता कर लिया जाए जिससे ये पूरा यूनिवर्स कंट्रोल हो रहा है, सारे फिनोमेना हो रहे। ओके वेट, शायद कुछ रिलीजन भी यही बातें करती है। हाँ यार, वो जैसा कि मैं मुस्लिम की बात करूँ, उसमें कहते हैं कुल हु अल्लाह हुआ, कि अल्लाह एक है जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाने वाला है। हिंदू में भी शायद यही बात है, एकम इवेदित्यम, वो एक ही है। क्रिश्चियन में भी है शायद, चलो देख लेते हैं, आ जाओ चलो। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को, मैं थोड़ा हट जाता हूँ शायद, ठीक है। लिखा हुआ है कुल हु अल्लाह हुआ से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, सिंपल बात है कि वो एक है और वही एक है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे चंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 खंड नंबर 2 वर्स नंबर 1 से मैंने लिया है, एकम इवेदित्यम ही इज ओनली वन विदाउट सेकंड। ओके ठीक है कि वो एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। मैंने बाइबल, होली बाइबल चैप्टर ऑफ ड्यूटरोनॉमी वर्स मतलब चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 35, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, हाँ चैप्टर नंबर 4 का ही नाम चैप्टर ऑफ ड्यूटरोनॉमी है, ठीक है। यू वर सोन दीज थिंग्स सो दैट यू माइट नो दैट द लॉर्ड इज गॉड, बिसाइड हिम देयर इज नो अदर। तो ये तीन चीजें के बारे में, तीन रिलीजन, ये क्रिश्चियन की बात यह है कि उनके ऊपर एक कॉन्टेक्स्ट था कि उनको बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, तो उसमें बताया गया कि ये जो चीज तुम्हें दिखाई गई है वो सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए कि जो तुम्हारे पालने वाला है वही तुम्हारा रब है, वही जो यूनिवर्स है वो एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो बेसिकली जो हम इतना लड़ते हैं कास्ट रिलीजन के मतलब पे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है जो पूरे यूनिवर्स को चला, तुम अलग है कहाँ, क्यों है ये अलग अलग बातें कि रिलीजन अलग है। यार जब इंसान बने थे तो सिर्फ एक ही बना था, कुछ अलग नहीं था, उसको एक ही रिलीजन था, वो था सिर्फ एक को मानना ऊपर वाले। क्यों भटके हुए हो यार, क्यों भटके हुए, चलो आगे चलते हो साइंस की बात। खैर लेकिन मैंने बताया था कि मैं जरूर बताऊंगा कि इस यूनिवर्स को कोई चलाने वाला है या नहीं है, अगर है तो वो एक ही है जो है, ठीक है, जिसको भी तुम नाम जो बिजली दे दो, भगवान अल्लाह गॉड कुछ भी कह लो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाँ थर्ड चीज आते हैं, सेकंड चीज हमारी, सॉरी, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म एक मेन प्रोसेस है, मेन स्टेप है हमें समझने का फिजिक्स, ठीक है। ये क्या है कि हम कोई भी बड़ा सा प्रोसेस लेंगे, कोई भी बड़ा सा प्रोसेस या कोई भी बड़ा सा फिनोमेना जो नेचर में होता है, उसको हम डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट किसी चीजों को पूरा कंप्लीटली समझ पा जाना नहीं था। जैसे मैंने एग्जांपल का क्लाउड्स में थंडरस्टॉर्म होता है ये मैंने बोला, तो लेकिन मैं ऐसे नहीं समझ पाया कि कैसे होता है, भाई पहले कह दिया हो कि देव लड़ होंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या थी? रियलिटी थी छोटे छोटे चीजों को समझना कि चार्जेस इकट्ठे होते हैं। तो सबसे पहला चीज हमने क्या बोला, चार्जेस को इकट्ठा करना, तो ये एक हमारा स्टेप बना कि चार्जेस को इकट्ठा कैसे किया जाए, एनर्जी खर्च होगी इन सब चीजों पर, ठीक है। दो जगह इकट्ठा करना, फिर उनके बीच क्लोज कॉन्टेक्ट आना, ये दूसरी चीज थी, छोटा सा चीज, ठीक है। फिर जाके चिंगारी चिपकेगी, तो ये सब चीजें थी, स्पार्किंग होगी तब। तो छोटे छोटे, देखो एक बड़े से फिनोमेना को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पढ़ना ही रिडक्शनिज्म है। जैसे क्या कि हम नेचर से बने हुए, तुम्हें पता है कि नेचर के एक छोटा सा पार्ट होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सबसे मिलकर एक सेल बनता है जो जाइगोट है। उनको डिफ्रेंशिएट होते होते हम बढ़ते बड़े होते हैं और हम इतने बड़े हो जाते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हम नेचर को ही समझें। हाँ वही बात हो गई, हमारी बिल्ली हमसे ना, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस हमारे साथ है, हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो हम उसको क्या करते हैं भाई कि हमारा एक अप्रोच है उसको समझने का कि भाई उसको सिंपल सिंपल कोई भी बड़ा फेनोमेना देखेंगे उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और समझ जाएंगे बात को, ठीक है। तो ये अ रिलेटेड एफर्ट इज टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म एंड इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स। और ये फिजिक्स के सेंटर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ओके। तो आज का सफर हमारे यहीं खत्म होता है, होपफुली आपको मजा आया होगा, बेसिकली मुझे तो काफी मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।